हेलो बच्चों क्या हाल चाल कैसी चल रही है पढ़ाई तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आई टी जी टू थाउजेंड टेन का पेपर टू जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन थ्री पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन टोटल दो पैराग्राफ पूछे गए थे सबसे पहला पैराग्राफ हमारे स्क्रीन के सामने है ये जो पैराग्राफ है ये एक पॉलिनोमियल है इसमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है क्लियरली हम लोग देख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो गिवन है अब बोला गया लेट एस सम ऑफ़ ऑल द डिस्टिंग रियल रूट्स ऑफ एफ एक्स एंड लेट टी इज इक्वल टू मोड ऑफ एस द रियल नंबर लाइज़ इन द इंटरवल अब देखना यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एस बेसिकली सम ऑफ़ ऑल द रूट नहीं है सम ऑफ ऑल द रियल रूट है इसका मतलब ये जो क्यूबिक इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन के या तो तीनों के तीनों रियल रूट होंगे या फिर वन रियल रूट होगा दो ही पॉसिबिलिटी आएगा ठीक है या तो वन रियल रूट होगा या तो तीनों के तीनों रियल रूट होंगे तो या तो टोटल सम अगर निकालना होता है लेट से अल्फ़ा बीटा गामा रूट होता है अल्फा बीटा गामा तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाता जिसकी वैल्यू आ जाती माइनस बी बाई ए माइनस थ्री बाय फोर ओके लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल पाएंगे ना क्योंकि वी डोंट नो कि भाई ये जो क्यूबिक इक्वेशन लिखा हुआ है इसके सारे के सारे रियल रूट ही है वी डोंट नो डैट ओके तो उसके लिए सबसे पहले इस क्यूबिक को सर्च किया कि इसके कितने रूट है क्या रूट है तो हमने बोला दिस एफ एक्स इज फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन तो एक बार अगर रियल रूट है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए हमने एफ डेस एक्स कैलकुलेट कर लिया जैसे हमने एफ डेस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की वो कितना आ जाएगा ट्वेल्व टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स टाइम्स एक्स प्लस टू सबमेट टू कॉमन होगा बैकेट के अंदर जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन अब अगर इसका डिस्क्रिमिनाट निकालने की कोशिश करेंगे डी तो आ जाएगा बी स्क्वायर नाइन माइनस ट्वेंटी फोर विच इज ए नेगेटिव नंबर तो यहाँ से क्लियरली वी कैन सी ये जो एफडेस एक्स आया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया एंड इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनाट लेस देन जीरो आ गया डिस्क्रिमिनेट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेस देन जीरो है एंड इसका एक्स स्क्काइफिसेंट पॉजिटिव है दिस मीन्स दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स चाहे कुछ भी ले लो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहेगा वी कैन से डेट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अब सोचो एफ एक्स तो हमारा क्यूबिक फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है माइनस पे माइनस इन्फिनिफिन वैल्यू दे रहा है इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी ले रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, है तो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली exactly एक ही बार कट करेगा दिस मीन्स यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोम था इसके कितने रियल रूट है वन रियल रूट बाकी दो रूट कैसे हैं इमेजनरी रूट हैं है एग्जैक्टली है. रूट तो exactly कैसे फाइंड आउट करते हैं तो एक तरीका होता है वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री पुट करके देख लिया एक तो वो लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो पुट करेंगे पॉजिटिव नंबर तो पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि पॉजिटिव रूट कभी आएगा नहीं इसका नेगेटिव रूट आएगा माइनस वन पुट किया माइनस टू पुट किया उससे कभी जीरो नहीं आ रहा है हेंस हमें चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली रूट किधर है क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा तभी इसने सारे के सारे आंसर्स इंटरवल में दे रखे हैं ओके ओके तो अब चेक करते हैं एक रूट है वन रियल रूट अब वो रूट क्या है उसके बारे में सोचते हैं एक बार एक बार इस एफ एक्स में एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो आएगा वन दिस मीन्स ये रहा हमारा वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वन आया एक बार माइनस वन पुट करके देखते हैं ये आएगा माइनस फोर प्लस थ्री माइनस टू प्लस वन थ्री प्लस टू फाइव माइनस फोर माइनस टू माइनस सिक्स तो माइनस वन तो आ गया सो माइनस वन इधर रहेगा तभी तो माइनस वन तो आया वैल्यू ओके दिस मीन्स हमारा जो रूट है वो माइनस वन से जीरो के बीच में ही है हमारा जो रूट है वो माइनस वन से जीरो के बीच में है दिस मीन्स अगर हिट एंड ट्रायल करते भी तो हम कभी आंसर निकाल नहीं पाते क्योंकि हिट एंड ट्रायल करेंगे तो माइनस वन से जीरो के बीच में ऐसा क्या नंबर ले, ले लेंगे जिसका रूट आ जाएगा वी डोंट नो तो हमने बोला जो भी ये लेट से अल्फा रूट है तो एस की वैल्यू एग्जैक्टली अल्फा के बराबर आएगी एंड वो एक नेगेटिव नंबर आएगा एस बी सम ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट रियल रूट था अब चेक कर लेते हैं एस लाइज इन विच इंटरवल माइनस वन बाई फोर से जीरो अगर माइनस वन बाई फोर से जीरो में एस लाई कर रहा है तो बेसिकली इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इसका रूट जो है माइनस वन बाई फोर से जीरो के बीच में लाई कर रहा है तो वो कैसे पता चलेगा तो एक बार ये जो एफ है ना ये जो एफ है ना उस एफ में माइनस वन बाई फोर डाल के देख लेते हैं उस एफ में माइनस वन बाई फोर डाल के देख लेते हैं वैल्यू कैसी आती है एफ ऑफ माइनस वन बाय फोर वो कितना आ जाएगा माइनस फोर अप चार चौके सोलह चौके चौसठ प्लस थ्री इंटू वन अपॉन सिक्सटीन ओके माइनस टू अपॉन फोर प्लस वन तो यहाँ से ये आ रहा है सिक्सटी फोर एल सी एम तो माइनस फोर प्लस सोलह चौके ट्वेल्व माइनस चार इंटू सोलह थर्टी टू प्लस वन तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना दिस इज ए नेगेटिव नंबर दिस मीन्स माइनस वन बाई फोर तो इधर ही है माइनस वन बाई फोर पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है प्लस आया माइनस टू बाई फोर माइनस फोर बाई सिक्सटी फोर ठीक है चार से यहाँ सोलह एक बार फिर से चेक कर लिया सिक्सटीन आया तो माइनस वन बाई सिक्सटीन प्लस थ्री बाई सिक्सटीन डेट इज़ टू बाई सिक्सटीन टू बाई सिक्सटीन टू बाई सिक्सटीन इज़ वन अपॉइंट एट तो एंड दिस इज वन अपॉइंट टू तो वन माइनस वन अपॉइंट टू इज वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट एट ये तो पॉजिटिव आ रहा है वन अपॉइंट एट प्लस वन अपॉइंट टू इज़ ए पॉजिटिव क्वान्टिटी दिस मीन्स माइनस वन बाई फोर इधर ही है कहीं वन बाई फोर पर पॉजिटिव तो ये रूट ऐसा जा रहा है ठीक है वन बाई फोर से जीरो के बीच में एक भी रूट नहीं है तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा और बोला माइनस इलेवन से माइनस थ्री बाई फोर माइनस इलेवन से माइनस थ्री बाई फोर तो जाने की जरूरत नहीं है इतना लंबा ऑब्वियसली बात है माइनस इलेवन से माइनस थ्री बाई फोर और उसने बोला थ्री बाई फोर तो चेक करना ही पड़ेगा इसका मतलब फिर से चेक करना शुरू किया थोड़ा सा देखो मेहनत वाला क्वेश्चन है डी ऑप्शन तो ऑलरेडी कट गया या तो आंसर होगा बी या तो आंसर होगा सी तो एक बार क्या करते हैं ना माइनस थ्री बाई फोर चेक करते क्योंकि वो दोनों जगह पे है तो माइनस थ्री बाई फोर चेक किया माइनस थ्री बाई फोर फोर इंटू माइनस ट्वेंटी सेवन बाई सिक्सटी फोर थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर नाइन अपॉन सिक्सटीन माइनस टू इंटू थ्री बाई फोर प्लस वन सिक्सटीन हो गया ये तो ये आ गया नौतिया सत्ताईस अपॉन सिक्सटीन प्लस ये तो जीरो आ गया इधर आ गया टू टू या फोर तो दिस इज माइनस वन पॉइंट फाइव प्लस वन तो माइनस थ्री बाई फोर पे नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब माइनस थ्री बाई फोर तो इधर है तो ये ऑप्शन भी कट गया देख रहा है माइनस इलेवन से माइनस थ्री बाई फोर तो इधर इधर गया इधर एक भी रूट नहीं है इसका मतलब रूट माइनस थ्री बाई फोर से जीरो के बीच में है माइनस थ्री बाय फोर से जीरो वाला एक ही ऑप्शन है तो अगर वन बाई टू पे चेक करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर आ जाएगा सी ठीक है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया थोड़ा बहुत दिमाग लगाना था बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे क्वेश्चन बोला है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू जीरो याद करो मॉड एस था ओके एरिया लाइज इन द इंटरवल अब इसको एक बार ग्राफ बना के चेक करेंगे एरिया कैसा दिखेगा सोचो so, कोई भी फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली है प्रॉपर ग्राफ नहीं बना रहे फिर भी एंड ये तो हमारा एस है एंड वी एग्जैक्टली नो माइनस थ्री बाई फोर से माइनस साफ के बीच में एस है दिस इज जीरो हमें एग्जैक्टली exactly कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है ये वाला एरिया ओके okay. सो so, एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो एक्स इज़ इक्वल टू टू मतलब इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ओके इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स करना है ये माइनस वन इधर है ना माइनस वन इधर है ओके सो दिस एरिया बेसिकली ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है हमें तो एक काम करते हैं एस्टीमेट ही करना है ना मुझे दिस एरिया इज सेम एज इंटीग्रेशन एस से लेकर के जो भी एस की वैल्यू है से लेकर के जीरो तक इंटीग्रेशन एस से लेकर के जीरो तक एफ एक्स टी एक्स ये एरिया एग्जैक्टली exactly किसके बराबर आएगा वो देख लेते हैं तो दिस एरिया विल बी लेस देन एंड ग्रेटर देन यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक लग रहा है हाँ एस क्या था एस टी एक्स इज इक्वल टू टी एक्स इज इक्वल टू टी किधर है हमें एस से जीरो में एरिया नहीं निकालना है एक्स इज इक्वल टू टी से निकालना है ठीक है तो एक्स इज इक्वल टू टी वी कैन सी वो तो पॉजिटिव ऑफ मॉड एस है मतलब मॉड एस है वो बेसिकली तो एक बार फिर से एक बार ट्राई करने की कोशिश करते हैं लेट से हमारा जो फंक्शन था वो तो इस टाइप का था वाई इज इक्वल टू समफ एक्स अब हमें क्लियरली पता है ये वाला जो पॉइंट है इधर माइनस थ्री बाई फोर है इधर एस है माइनस साफ है लेकिन हमें तो एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू टी वे टी विल बी मॉडुलस ऑफ एस इसके बीच का एरिया निकालना है हमें तो राइट ओके और मुझे पता है यहाँ पे एस का मॉड लिया तो ये वन बाई टू से बड़ा आएगा थ्री बाय फोर से छोटा आएगा क्योंकि तो ऑब्वियस तो बात है इनका भी मॉड उधर ले लिया ओके दिस मीन्स अब तो बहुत सिंपल हो गया ये एफ एक्स का एरिया टी से लेकर के मतलब जीरो से लेकर के टी तक एफ एक्स का एरिया जीरो से लेकर के टी तक दिस विल बी लेस देन एफ एक्स का एरिया एफ एक्स का एरिया जीरो से लेकर के थ्री बाई फोर तक जीरो से थ्री बाई फोर तक का एरिया निकाला उससे तो छोटा ही होगा एंड एफ एक्स का एरिया जीरो से लेकर के वन बाई टू तक जीरो से वन बाई टू तक निकाला तो इससे बड़ा होगा बस इसका मतलब ये आंसर आ गया अभी एफ एक्स को दोनों साइड पुट कर दिया एफ एक्स का इंटीग्रेशन पहले निकाल लिया इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स क्या है उधर फोर एक्स क्यूब है एफ एक्स क्या है जल्दी देल जल्दी बताओ जल्दी 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 फोर एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स वन फोर एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स वन इसका डीएक्स करेंगे तो आई होप सिंपल आ जाएगा फोर इंटू एक्स टू दावर फोर बाय फोर एक्स क्यूब बाय थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स इसमें जीरो से थ्री बाई फोर पुट किया तो अपर लिमिट आ जाएगा तो यहाँ से थ्री बाई फोर जो भी अपर लिमिट आ जाएगा देन लोअर लिमिट भी आ जाएगा एक बार जीरो से वन बाई टू पुट कर दिया ओके एक बार पुट करके ही दिखा देता हूँ मैं वन अपॉइंट सिक्सटीन प्लस वन अपॉइंट एट प्लस वन अपॉइंट फोर प्लस वन ये लोअर लिमिट है अपर लिमिट आएगा तीन तीनिया सत्ताइस तीन इक्यासी एटी वन अपॉन चार चौके सोलह टू फिफ्टी सिक्स प्लस थ्री थ्री जा थ्री क्यूब ट्वेंटी सेवन आ गया सिक्सटी फोर आ गया प्लस नाइन अपॉन सिक्सटीन प्लस वन इस रेंज में रहेगा तो हमें बस चेक कर लेना है इस रेंज में कौन सा आंसर हमारा आ रहा है ठीक है जो भी आंसर इस रेंज में आएगा वही एग्जैक्टली हमारा आंसर हो जाएगा राइट चलो तो मिनिमम तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है सिक्सटीन ले लिया हमने वन प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री बाई सिक्सटीन ट्वेंटी थ्री बाई सिक्सटीन से बड़ा होना चाहिए ट्वेंटी थ्री बाय सिक्सटीन से बड़ा होना चाहिए ठीक है ट्वेंटी थ्री बाय सिक्सटीन से बड़ा होना चाहिए दिस इज वन पॉइंट समथिंग ओके इससे बड़ा होना चाहिए तो इससे बड़ा तो जीरो ये वाला कट गया ये बोल रहा है जीरो से ट्वेंटी वन सिक्सटी फोर देन सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे लो अपर लिमिट वाला भी पुट कर देंगे इधर उससे एक रेंज आ जाएगा हमारा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द फंक्शन एफ डेस एक्स द फंक्शन एफ डेस एक्स इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ठीक है हमने एफ डेस एक्स निकाला एफ डेस एक्स निकाला तो पहले तो एफ एक्स लिख लेते हैं फिर से फोर एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन तो जब एफ डेस एक्स निकाला तो वो आ गया ट्वेल्व एक्स स्क्वायेर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू दिस इज सेम एज टू टाइम्स सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन ठीक है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव है ना अब माइनस टी से माइनस वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर से टी वाला ये सब बात चल रहा है एफ तो एक्स के बारे में तो हमें पूरा ग्रंथ पता है हमें एफ एक्स का हम लोग पूरा बायोडेटा निकाल चुके हैं हमें क्लियरली पता है ये जो एस है इधर माइनस थ्री बाई फोर है इधर माइनस वन बाई टू है तो इधर माइनस वन बाई फोर रहेगा तो जो टी होगा टी तो एग्जैक्टली exactly इधर होगा इधर वन बाई टू होने वाला है इधर थ्री बाई फोर होने वाला है ठीक है ओके अब देखो टी इधर है तो टी का नेगेटिव इजैस दिस इज माइनस टी है ना टी का नेगेटिव इजैस टू तो माइनस टी है तो अब देखो माइनस टी से माइनस वन बाई फोर में इंक्रीजिंग है बोलेंगे हाँ इंक्रीजिंग इन दिस एंड्रीजिंग इन माइनस वन बाई फोर सिटी अच्छा एफडेस एक्स एफ एक्स के बारे में बात पूछ रहा है तो जीडेस एक्स तो की वैल्यू कैलकुलेट की जी डेस एक्स कितना आ रहा है ट्वेंटी फोर एक्स प्लस टू जीरो माइनस वन बाई फोर इसका मतलब एक्स अगर ग्रेटर वन बाई फोर है तो जी एक्स पॉजिटिव है एक्स लेस देन माइनस वन बाई फोर है तो जी एक्स नेगेटिव है ओके इसका मतलब माइनस वन बाई फोर से माइनस वन बाई फोर से आगे पॉजिटिव है एफ डे एक्स मतलब वो इंक्रीजिंग है माइनस वन बाई फोर से टी में इंक्रीजिंग है एंड माइनस वन बाई फोर से नीचे मतलब माइनस टी से माइनस वन बाई फोर में डिक्रीजिंग है तो ऑप्शन नंबर बी आ गया क्लियर ओके तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री भी हो गया दिस मीन्स ये वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ हो गया हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास जो है बहुत सिंपल सा है फिर से पैराग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 34 टू 36 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दी पॉइंट दिस टू दी एलिप्स दिस ठीक है वो टेंजेंट का इक्वेशन हमें मालूम होगा इस पॉइंट से अगर इस एलिप्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो दो-दो टेंजेंट आएंगे ऑबवियसली बात है बॉल बी राइट टचिंग द एलिप्स एट पॉइंट ए एंड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर ये तो बहुत ही मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें मेहनत करवाना चाह रहे हैं हमें तो टेंजेंट का इक्वेशन मालूम होता है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी इज इक्वल टू जीरो होता है x, x1 plus y, y1 is equal to 1. तो ये थ्री थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस वाई इज इक्वल टू वन एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री ये हमारा होगा टेंजेंट का इक्वेशन डेट इज एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री वाई अब इस टेंजेंट का इसके साथ सॉल्व कर देंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी तो थ्री वन माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू वन सॉल्व करना शुरू कर दिया हमने तो यहाँ से ये यह से कट गया वन माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू वन तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो ये आ रहा है फोर टाइम्स वन माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर दोनों साइड फोर मल्टीप्लाई किया है so square, square 0, four four या तो ये आ गया फोर टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर तो दिस इज फोर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइव वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू सॉरी फोर फोर से फोर फट कट गया तो यहाँ आ रहा है फाइव वाई माइनस एट इन वाई इज इक्वल टू जीरो या तो वाई की वैल्यू जीरो आई या तो वाई की वैल्यू एट अपन फाइव अच्छा y की वैल्यू जीरो आई तो इस टाइम पे x की वैल्यू कितनी आएगी तो वी नो x इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री वाई तो इस टाइम पे तो डायरेक्टली x की वैल्यू थ्री एंड यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी थ्री माइनस एट बाई फाइव इंटू वाई सॉरी थ्री ओके सो दिस इज फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी फोर फाइव ले लिया ना फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी फोर तो कितना आ रहा है पाँच चार नौ माइनस नाइन बाई फाइव माइनस नाइन बाई फाइव एक पॉइंट है थ्री कामा जीरो तो दूसरा पॉइंट है माइनस नाइन बाई फाइव कामा एट बाई फाइव थ्री कामा जीरो माइनस नाइन बाई फाइव कामा एट बाई फाइव ऑप्शन नंबर डी कितना सिंपल क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी ए बी बहुत सिंपल हो गया ये तो फिर से मुझे पी मालूम है मुझे ए मालूम है मुझे बी मालूम है तो मैं क्या करता हूँ एक बार ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ मुझे सारे कोऑर्डिनेट्स मालूम है थ्री कामा टू एक है थ्री कामा फोर एक है थ्री कामा जीरो ये दोनों तो सेम लाइन पे हैं। ये तो डायरेक्टली एक्स को एक्सिस वाई एक्सिस बना लो ये वाई इज एक्स इज इक्वल टू थ्री लाइन है तो एक है थ्री कामा जीरो थ्री कामा जीरो का मतलब यही वाला पॉइंट है एक तो थ्री कामा जीरो वो ए है लेट से पी है थ्री कामा फोर थ्री कामा फोर था ना थ्री कामा फोर पी भी पता चल गया हमें तो दिस इज पी देन एक और पॉइंट पता चला माइनस नाइन बाई फाइव कॉमा एट बाई फाइव माइनस नाइन बाई फाइव कॉमा एट बाई फाइव इधर का ही माइनस नाइन बाई फाइव कॉमा एट बाई फाइव ये है बी तो पी ए भी कोई ट्राइंगल है इसका ऑर्थोसेंटर पूछा गया है तो ऑब्वियसली बात है ऑर्थोसेंटर जो आएगा इसी लाइन पे आएगा पैरल टू एक्स एक्सिस वाले पे है ना ओके okay, सो so, जो ऑर्थोसेंटर होगा जो भी एच उसका y कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया क्या एट बाई फाइव अभी x कोऑर्डिनेट बस मालूम करने का है x कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इस लाइन का इक्वेशन भी नो y इज इक्वल टू एट बाई फाइव एक और लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं आंसर आ जाएगा लट से मैं कौन सा लाइन का इक्वेशन निकालना चाहता हूँ मैंने बोला इस लाइन का इक्वेशन आ ही चुका है इसका या फिर इसका निकाल सकते हैं तो एक काम करते किसी एक ही का निकालो इसका इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं जब इसका इक्वेशन निकाला तो वी विल हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ ए बी निकाला एट बाई फाइव माइनस जीरो अपॉन माइनस नाइन बाई फाइव माइनस थ्री तो दिस इज एट बाई फाइव डिवाइड बाई नीचे आ गया माइनस नाइन माइनस फिफ्टीन बाई फाइव फाइव से फाइव कट गया एट अपॉन माइनस ट्वेंटी फोर आ गया तो माइनस वन बाई थ्री आ गया इसका स्लोप इसका स्लोप अगर माइनस वन बाई थ्री आ गया तो स्लोप ऑफ लेट से ये एम क्यू है पी क्यू तो स्लोप ऑफ पी क्यू कितना आएगा तो यू विल से थ्री तो अभी तो इनका और इसका प्रोडक्ट माइनस वन आएगा ठीक है तो स्लोप ऑफ पी आ गया तो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ पी क्यू इक्वेशन ऑफ पी क्यू आ जाएगा इक्वेशन ऑफ पी क्यू आ गया कैसे आ गया वाई माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री टाइम्स एक्स माइनस थ्री ओके सो वाई माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस नाइन सो वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फाइव तो यहाँ से y की वैल्यू तो एट बाई फाइव है इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फाइव बोल रहे हैं तो थ्री एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एट बाई फाइव प्लस फाइव कितना आ रहा है पच्चीस पच्चीस एंड आठ पास थर्टी थ्री बाई फाइव तो x इज इलेवन बाई फाइव बेसिकली तो 11 बाई फाइव कॉमा एट बाई फाइव इज द आंसर ऑर्थो सेंटर का मैंने क्या किया तुम्हें समझ में आना चाहिए एक ट्राइंगल है औरथो तो सेंटर होता है ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक ऑल्टीट्यूड मुझे ऑलरेडी पता है दूसरा ऑल्टीट्यूड निकाल लिया दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया ऑर्थो तो सेंटर आ गया तो इसका आंसर आ गया हमने दोनों पैराग्राफ सॉल्व कर लिए एंड बहुत ही कॉन्सेपचुअली सॉल्व किया दिस मीन्स यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है अगर मेरे सारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं ठीक है सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं एक और पार्ट आएगा लास्ट पार्ट है मैट्रिक्स मैच टाइप का वो मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी कर लेने का देन वी विल स्टार्ट विथ टू थाउजेंड नाइन का आई टी का पेपर ओके okay? तब तक पढ़ते रहो मचाते रहो ऑल दी बेस्ट